रविवार की देर रात दुर्ग के पुलगांव स्थित शिवनाथ नदी के पुराने पुल से उफनती नदी में डूबी कार काफी जद्दोजहद के बाद बुधवार को नदी में मिल गई। इस दौरान तीन दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एनडीआरएफ की टीम के सदस्यों से हमारे दुर्ग प्रतिनिधि ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। जैसा कि विगत तीन दिनों से यहां पर नदी में गाड़ी गिरे जाने की सूचना शहर में आम थी, उसको लेकर एनडीआरएफ और एसडीआर की टीम लगातार सर्च अभियान जारी रखी, जिसको लेकर अभी 72 घंटे से भी अधिक समय होने के बाद भी अब जाकर टीम को कामयाबी हाथ लगी है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मछुआरे की टीम है और एनडीआरएफ की जो टीम है, वो जो गाड़ी डूबी थी उसको निकाल कर वो आ रहे हैं। हालांकि अब ये अंदेशा नहीं लगा सकेगा कि गाड़ी कौन सी है और इसमें कितने लोग सवार थे, मगर फिर भी इसके पीछे जो कड़ी मेहनत और जो दिमाग लगाया गया है, मछुआरे संघ के जो लीडर है बंसी जी, इनसे अपन बात करेंगे कि किस तरह के लोग इसमें शामिल हैं और क्या इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। जी बताएं कितने लोग इसमें शामिल हैं और कितने देर में इसको निकाला गया है? 22 टीम है हमारा, 22 जन का टीम है पूरा। तो ये जो नदी में गाड़ी गिरी थी उसको लेकर किस तरह के प्रयास किया आपने और कितने देर में निकाला इसको? तो हम लोग 5 मिनट जाने में लगा है और 2 मिनट डूबने में, बस 2 मिनट डूब के पता किया तो मिल गया गाड़ी। तो इससे पहले आप लोगों को कॉन्टेक्ट नहीं किया गया था? कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया था। तो क्या लगता है आपके पीछे की जो एनडीआरएफ की टीम जो गश्त कर रही थी ढूंढ रही, क्या लगता है उसके पीछे? वो लोग कांटे से ढूंढ रहा था, अब हम लोग को बोलता है भैया लास्ट में साहब बोलता है कि अपना टीम बुलाओ और टीम बुला के ढूंढ को डूब के ढूंढ के दिखाओ यार। तो जाल के निकालो आपने? जी जाल का मदद। तो जैसे कि जाल की मदद से मछुआरे लोगों ने इस कामयाबी को हासिल किया और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर गाड़ी निकल रही है उसको लेकर जो ये भीड़ लगी है लोगों की, जो इसमें साथ दे रहे हैं, रस्सी खींच के निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं उस तरफ से झूमर जो आ गया है उसको लेकर वो सब कर रहे हैं। दुर्ग से गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। डाले जाल के साथ साथ फिर बहाव यानी बहते बहते गए हैं जाल नीचे तक के, फिर जाल जैसे फंसा तो फिर वहाँ अंदर जाके डूब के देखे, यहाँ पता चला कि यहाँ ये गाड़ी है, गाड़ी में फंसा है। फिर अंदर जाके वहाँ पर तकरीबन 30 फीट पानी होगा, तकरीबन 30 फीट पानी वहाँ पर जहाँ पर गाड़ी मिला है। और कितने बजे मिला ये अभी पता चला है? नहीं, 1 घंटा हुआ। हम लोग प्राइवेट गोताखोर हैं, हमको ऐसी प्राथमिकता नहीं मिला है कि हम आप लोग गोताखोर करके, हम लोग मछुआरे लोग हैं, लेकिन आज तक हमको ऐसा कोई ऐसी बात सामने नहीं कि आप लोग अपने शर्तों पे गए थे अंदर कि उनकी वो नहीं। प्रशासन बोले थे कि आप लोगों को मिल जाएगा, आपको इनाम इनाम कुछ मिलेगा आपको ऐसा करके। अब हम लोग 22 लोग हैं लेकिन यहाँ पर 17-18 आदमी आए।